ये देखिए, अब इसमें ही ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से इस तरीके से, ये भी ऐड कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है कसूरी मेथी से। इसमें ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, डिश आउट कर लिया है मसाला अंडा। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनके तैयार हुआ है, और ये मसाला जो है इसका बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने शाह से एक नबिया किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला अंडा। इसके लिए मैंने लिए हैं 8 अंडे, अच्छी तरह से वॉश करके रखे हैं, ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। मसाले लिए हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चम्मच लिया है कसूरी मेथी, 10 से 15 लिए हैं काजू, 4 छोटी साइज की प्याज, 1 बड़ा साइज का टमाटर जो कट कर लिया है, 4 लिए हैं मोटी वाली हरी मिर्चें जो अच्छी तरह से वॉश करके रखी है। इन सभी चीजों को बारीक से पीस लेंगे। गार्निश के लिए लिया है हरा धनिया। तड़के में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 7 से 8 लिए हैं काली मिर्चें, 3 से 4 लिए लौंग, 3 लिए हैं तेज पत्ते, ये तड़के में ऐड करेंगे। साबुत लिया है लहसुन और अदरक, एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, 10 से 15 लिए हैं लहसुन की कलियां, बारीक पीस लेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले बॉईल कर लेंगे अंडों को, कुकर में ऐड करके 2 विसल लगा लेंगे हाई फ्लेम पर। तो पहले मैं बॉईल कर लेंगे अंडों को। बॉईल हो गए हैं अंडे, ये देखिए इस तरह से काफी अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे लाल मिर्च, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ऐड कर लेंगे नमक, इससे थोड़ा चटपटापन आ जाएगा मसाले। थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हल्दी, सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए काफी अच्छी तरह से आ चुका है, इस पर थोड़ा स्पाइसी बन आ जाएगा अंडों में, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। फ्राई कर लेंगे अंडों को, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे अंडे, इसकी कोटिंग कर लेंगे। देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अंडे, निकाल लेंगे इसे क्रेट में अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। देखिए कितना ही खूबसूरत कलर आया अंडों का। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें ऐड कर लेंगे खड़ा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ऐड कर लेंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और जो काजू ऐड करते हैं उसका पेस्ट ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इससे मसाला जले नहीं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 30 सेकंड की भुनाई कर लेंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, काजू, इन तीनों चारों चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तेज पत्ते ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बारीक पिसा हुआ, ये भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। मसाले ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर, इसलिए मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी इस तरीके से आप मसाले को भूनेंगे तो। देखिए
ही काफ़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है सभी मसालों की। अब इसमें ऐड कर लेंगे अंडे जो फ्राई करके रखे हैं पहले से ही। लो फ्लेम कर लेंगे गैस का। लो फ्लेम पर रख दिया है तकरीबन 30 सेकंड के लिए अंडे और मसालों को। ये देखिए अब इसमें ही ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से इस तरीके से। ये भी ऐड कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है कसूरी मेथी से। लो फ्लेम पर ही रखेंगे अंडों को, जो कि मसाले और अंडे और कसूरी मेथी है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से एब्जर्व हो जाए हर एक चीज़ में। तो इसी तरह से तकरीबन 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर ही रखेंगे। ये देखिए मसाला अंडा बनके एकदम तैयार है। अब इसमें ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। अभी लो फ्लेम ही रखा है मैंने गैस का। पानी अंडों में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि मसाला ग्रेवी रखना है अंडों की, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। ये थोड़ी भुनी भुनी से ही बनती है, क्योंकि अगर आप उसमें पानी ऐड कर लेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा। आप इस तरीके से ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये बन चुका है एकदम तैयार, हो गया है मसाला अंडा। गैस ऑफ कर देंगे 2 मिनट के बाद में। डिश आउट कर लिया है मसाला अंडा। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बन के तैयार हुआ है, और ये मसाला जो है इसका बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नव्या किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी नई डिश कैसे मिलती है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।